नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने शो में जिसका नाम है बातों बातों में। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं राजेश पंडित जी, जो कि एक उभरते हुए कलाकार हैं। राजेश जी नमस्कार। सर आपको भी नमस्कार मेरी तरफ से। राजेश जी, आप टीवी सीरियल्स कर रहे हैं, आप फिल्में भी करते हैं, तो इस की शुरुआत कहाँ से हुई है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, शुरुआत मेरी जो हुआ वो गांव से हुआ, क्योंकि मैं गांव में उस वक्त थिएटर करते थे, कॉलेज बैगर परफॉर्म करते थे हम लोग। अच्छा। तो वहाँ से सीखा था यार, नहीं इंडस्ट्री में जाना है, कुछ काम करने वहाँ से जी, जी। तो मेरा जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो कॉलेज के दिनों से ही आपकी ये शुरुआत हो चुकी थी। तो मुंबई आने से पहले आपने कैसे तैयारी की फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए? देखिए, मैं वहाँ पे भागलपुर, मेरा होम टाउन है बिहार में, छोटा सा जिला है भागलपुर, वहाँ से मैंने प्ले करता था वहाँ पे बहुत सारा नाटक के, वहाँ से फिर लगा कि नहीं अब मुंबई जाना चाहिए वहाँ। तो वहाँ से मैं मुंबई आया और यहाँ पे भी प्ले कंटिन्यू एक्टिंग किया, मतलब लोगों से थिएटर आर्टिस्ट से मिलना जुलना था, तो यहाँ भी चलते रहे वो चीज़ें। और पहला शुरुआत मेरी जो टीवी इंडस्ट्रीज हुआ, एक बीएजी फिल्म्स का आता था लव दोस्ती दुआ, जो बिग मैजिक पे प्रसारण हो रहा था बसों, तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ जर्नी। अच्छा, तो जैसे आपने प्ले की बात की, आपने थिएटर की बात की, तो आपको क्या लगता है प्ले और थिएटर फिल्मी दुनिया में आने के लिए कितना आवश्यक है? देखिए, एक एक्टर के लिए प्ले बहुत जरूरी है जी, क्योंकि प्ले जो होता है कि लाइव शो होता है जी, आप प्रैक्टिस करके आते हैं मंच जी, पे जी, और तब मंचन आप करते हैं जी। टीवी का क्या होता है कि टीवी पे कट टू कट होता है जी, आपको वहाँ पे पता है कि डायलॉग्स मेरा होता है कि हमको ये लाइन बोलना, इससे हम ज़्यादा नहीं जा सकते जी, या ओवर एक्ट भी नहीं कर सकते जी। और फिल्मों में आपको जो भी है वो रिलाइज होता है कि नहीं, आपको ये डायलॉग, वो कटिंग जो होते हैं कटिंग, वो फिल्मों में कम होते हैं, टीवी में आपको कट कट शॉट बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे जी जी। तो फिल्म एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में आपने क्या डिफरेंस पाया? अब मैंने डिफरेंट ये पाया कि जब थिएटर आप करते हैं, थिएटर में आपको प्रैक्टिस, तो पहले मैं बताया आपको प्रैक्टिस करना होता है जी, और कट टू कट आपका जो ऑडियंस के साथ आपको लगाव होता है, ऑडियंस के साथ बोलना, टीवी में ऐसा नहीं है। अच्छा, टीवी में क्या होता है, कट टू कट डायलॉग्स होते हैं उसमें, और ज़्यादा आपको देखने का, आपको खुद देखेंगे कि क्लॉज उसमें ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट है। आप एक उभरते हुए कलाकार हैं और हमारे बहुत से दर्शक ऐसे हैं जो इस विधा के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा एक एक्टर का रूटीन क्या होना चाहिए? देखिए, एक्टिंग का रूटीन जो होना चाहिए, सुबह उठ के आपको हर चीज़ों पे काम, जैसे आपको वोकल पे काम बहुत जरूरी है एक्टर का, क्योंकि आवाज़ में वो दम होना चाहिए, वो बेस होना चाहिए जो एक्टिंग के लिए हमेशा काम आता है। अगर आप रियाज नहीं करते हैं, आप वोकल काम नहीं करते, तो आपका कहीं ना कहीं वो फमलिंग होता है वहाँ पे, जब आपको माइक पे बोलते हैं वो आवाज़ें सही नहीं आता, क्लियरिटी जो होते हैं एक्टर का वो नहीं आता। एक इंडस्ट्री में देखा हूँ कि सिंगर्स लोग डेली रियाज करते हैं, जो एक्टर एक ऐसा जात है ना, वो कभी भी रियाज नहीं करते हैं, वो शाका होना चाहिए जो भी रियाज कंटिन्यू बनी रहना चाहिए एक्टर। नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि एक्टर लोग रियाज नहीं करते, मुझे लगता है बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं या जो एक्टर बनना चाहते हैं उनमें से काफ़ी ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं कि क्या करना है, तो आप थोड़ा सा उस पर दिशा दें। देखिए, एक्टर बनने से पहले आपको एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, आप जितने भी एक्टर हैं जी जी, आप उनकी यूट्यूब पे खोल के देखें, वो भी रूटीन बताते हैं यूट्यूब पे कि मैं पहले रूटीन क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, तो उनको पहले फॉलो कीजिए आप जी। जी, ट्रेनिंग कितना रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है एक एक्टर के लिए? देखिए, एक एक्टर के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है जी। जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको क्लैरिटी आती है धीरे धीरे, आपको मेच्योरनेस वो जो होते हैं आते रहते हैं। जब एक ट्रेन एक्टर एक नॉन ट्रेन एक्टर बहुत फर्क होता है जी जी। जब आप कैमरे पर जाते हैं उसका एक डर होता है कि यार क्या करूँ क्या करूँ, वो घबराहट हो जाता है। जब एक ट्रेन एक्टर होता है ना, उनको वो घबराहट नहीं होता है, यार आँख के आँख जाना है तो मारना है, बस टेक दे के आना, वन टेक दे के आना, उनको दिमाग में ही रहता है। जो अनट्रेन एक्टर होते हैं उनको हमेशा डर होता है, यार कैसे होगा, डायरेक्टर कैसे होंगे, वहाँ का लोग कैसे होंगे, वहाँ का कैमरा दादा कैसे होंगे, वहाँ रिकॉर्डिस कैसे होंगे, वहाँ का, तो ये डर बना रहता है। जो ट्रेन एक्टर होते हैं उनको वो डर नहीं, यार मैं करना है, बस करना है, उनको पता है कि एक्टिंग ही करना है मुझे, ये फ़र्क होता है। तो राजेश जी, आज आप मुंबई में हैं, यहाँ ट्रेनिंग बहुत सी होती है, लेकिन बहुत से हमारे दर्शक हैं जो अपने गाँव से अपने शहरों से इस शो को देखते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी ट्रेनिंग पूरी करें और कैसे फिल्मी दुनिया और बम्बई में आने से पहले अपना प्रयास शुरू करें?
देखिए, मैं जो एक्टर एक्टिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, मैं उनको ये बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आप एक्टिंग में आने से पहले आप जिस शहर से हो, जिस जगह से हो, वहाँ पे आप एक ग्रुप तैयार करें जी, एक अच्छा टीचर ढूंढें जी। अगर नहीं है तो आप वहाँ अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे गांव में नाटक होते हैं, उस टीचर से आप सलाह लेके एक्टिंग क्या करना, ये हर जिला में थिएटर ग्रुप्स होते हैं तो उसमें आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको ये निखार आएगा तो आप मुंबई आए। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को इनकी बातें जरूर छुई होंगी और उनके आने वाले जीवन में इसका बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। बहुत जल्द ही एक नई शख्सियत के साथ हम आप सभी के सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।